बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में कैलाश जी। धन्यवाद राहुल जी। मैं आपसे सबसे शुरुआत में जानना चाहता हूं कि पिछले 6 साल की आपकी तपस्या अप्रैल मई के इन चुनावों में रंग लाएगी और यहां पर कोलकाता में भगवा झंडा लहराएगा, इस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिलहाल कितना है? क्या आपको लग रहा है कि आपने जो तमाम एफर्ट की है वो रंग लाने वाली? 200% कॉन्फिडेंस है, सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा और एक जंगल राज की समाप्ति पश्चिम बंगाल में होगी। बीजेपी ने तमाम चुनाव लड़े हैं, जीते हैं पिछले 6 साल में, बंगाल का चुनाव बाकी राज्यों की तुलना में अलग कैसे है और अहम क्यों है? देखिए, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ राहुल जी, आपको मालूम है, और मध्य प्रदेश में बहुत पीसफुल राजनीति है। और जब मैं छोटी पार्षद था, विधायक था, मेयर था, तो मैं समझता था कि अखबारों में और मीडिया के माध्यम से कि बिहार में बहुत हिंसा की राजनीति है, उत्तर प्रदेश में बहुत हिंसा की राजनीति है, पर बंगाल की राजनीति के आगे बिहार और उत्तर प्रदेश बोने हैं बिल्कुल। यहाँ जो हिंसा की राजनीति है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, ऐसी राजनीति, और मुझे लगता है कि 4 दशक से ये सब चल रहा है और बंगाल की जनता चाहती है कि ये सब समाप्त हो और यहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हो। पिछले 6 साल में जो आपकी स्ट्रेटजी रही है वो बाहर से हम लोगों ने देखी है, अंदर से आपने क्या किया और कैसे किया? क्योंकि पहले कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे, कई ऐसे शहर थे, गांव थे, कस्बे थे, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता जाने से डरा करते थे, तो आपने ये रास्ता कैसे आपने तय किया? देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह यहाँ रहा और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर मैं 10 बार से ज़्यादा नहीं गया हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैं 294 विधानसभा है, लगभग सभी विधानसभाओं में एक से अनेक बार गया हूँ। इसलिए कार्यकर्ता को खड़ा करना, संगठन से जोड़ना, ये मैंने काफ़ी पहले, मेरा सौभाग्य कि मैं स्वर्गीय ठाकरे जी को मैंने काम करते हुए देखा, माननीय प्यारेलाल जी को काम करते हुए देखा, सुंदरलाल पटवा जी को काम करते हुए देखा, तो संगठन को कैसे गढ़ा जाता है ये मैंने उनको देखा है, और मुझे उस मार्ग पर चलकर मैंने यहाँ संगठन को खड़ा किया। मेरे साथ शिवप्रकाश जी, अरविंद मेनन जी, सुरेश पुजारी जी, हम लोगों की टीम है जिन लोगों ने एकदम पोलिंग बूथ से लेकर और शहर तक के संगठन खड़े किए। पर बेसिकली दीदी कहती हैं कि आप बाहर ही हो, आप मतलब व्यक्ति विशेष नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि आप बाहर से आए हो यहाँ पे, लेकिन इस चुनाव को वो बंगाली अस्मिता का चुनाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी पार्टी है बाहरियों की, मैं हूँ ओरिजिनल बंगाली और हमारी जो पार्टी है वो बंगालियों की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफ़र हुआ जनसंघ से प्रारंभ, और जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बंगाल के थे, और यहीं से उन्होंने हुंकार भरी थी कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, धारा 370 हटना चाहिए। जनसंघ का पहला आंदोलन था जहाँ देश भर के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेल भर दी थी और वहीं पर उनका बलिदान हुआ था, और हमें कहते हुए ये गर्व है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे नेता ने कब कहा था, और धारा 370 अब मोदी जी के नेतृत्व में हटी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट, और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी, हम बाहरी नहीं है, हम तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाना चाहते हैं और हम बंगाल के ही। आपने अपनी स्ट्रेटजी का जिक्र किया जिससे आपने बीजेपी को गांव-गांव में, बूथ बूथ पे पहुंचाया, उस स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप दूसरी पार्टियों से, खासतौर से टीएमसी से जो मिलता है उसको तोड़ के ले आते हो, इसकी आपकी पार्टी के भीतर ही काफ़ी आलोचना हो रही है, ऐसा आपको क्यों करना पड़ रहा है बार बार? देखिए, आपको पार्टी का विस्तार करना है, अच्छे लोगों को पार्टी से जोड़ना है, कुल मिलाकर आपके आइडियोलॉजी के प्रति, आपके नेतृत्व के प्रति जो आस्था प्रकट करे वो हमारे साथ आ सकता है, उसको वेलकम है, और इसलिए जब पार्टी का आपको विस्तार करना है, जहाँ पर कि हमारे 4% वोट हो, जहाँ वहाँ से पार्टी को शुरू करना है, तो यदि हम सिर्फ एक एक कार्यकर्ता को ऐसे ही कार्यकर्ता बनाए कि भारतीय जनता पार्टी, जन्म लेते ही भारतीय जनता पार्टी का हो, तो बंगाल में संगठन खड़ा करने में हमको 25 साल लग जाते कम से कम। तो संगठन में
अगर आपको विस्तार करना है तो अच्छे लोग किसी भी पार्टी में हो, पर आप अच्छे लोग कहते हो फिर आप ले लेते हो, फिर आपकी पार्टी में हल्ला होता है, फिर आपको बाद में निकालना पड़ता है, फिर आप बयान देते हो कि हम लोग आगे चल के ख्याल लेंगे, हम होलसेल में नहीं लेंगे, हम बड़ा फूक फूक के हर आदमी को देख के लेंगे। अरे तो पहले करना चाहिए ना, कर लिया ले लिया फिर आप देखते हो कि नहीं। ऐसा कौन सा उदाहरण है कि हमने लिया और ने बयान दिया क्योंकि बवाल हुआ पार्टी में? ना 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 ना, कोई बवाल नहीं हुआ। ये तो मीडिया में जरूर बवाल हुआ है। हमने जरूर ये कहा कि भाई एक अनुशासित पार्टी है तो अनुशासित तरीके से पार्टी में एंट्री होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आएगा और 1000 लोगों को लेकर ज्वाइन करा दे तो कम से कम हमें देखना तो पड़ेगा कि कौन हमारी पार्टी में आ रहा है, क्योंकि कहीं ऐसे टोलेबाज लोग जो टोलाबाजी वहाँ करते थे, जो माफियाओं के साथ घूमते थे, वो एक नेता के साथ भीड़ में आ जाए तो सबको थोड़ी लिया जा सकता। आखिर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, और इसलिए हर कोई धर्मशाला थोड़ी भारतीय जनता पार्टी। पर आप मुझे ये बताएं, नाराजगी है कुछ हद तक आपके जो ओरिजिनल ओल्ड टाइम संघ के लोग हैं, बीजेपी से जुड़े लोग हैं, उनको लगता है कि अगर यही सब लोग आ जाएंगे चुनाव से एन पहले और आप इनको टिकट दे देंगे और ये आगे रहेंगे तो हम लोग क्यों करेंगे, इतने साल से हम क्यों बैठे हैं पार्टी में? ना, ऐसी कोई नाराजगी भी नहीं है। क्या बात, ना बिल्कुल भी नाराजगी नहीं। देखिए हम बहुत साफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि दो नेताओं की पार्टी हो, चार नेताओं की पार्टी हो। हम नीचे से सहमति लेते हैं, जिलाध्यक्ष से पूछते हैं, जिस मंडल में हो रहता है वहाँ भी पूछते हैं कि भाई कोई नाराजगी तो नहीं है, उसके बाद हम उसको पार्टी में लेते हैं। इसलिए ये कहना कि कोई नीचे नाराजगी है बिल्कुल भी नहीं। हम नीचे सबसे बात करके लेते हैं, सबसे बात करते हैं, मंडल अध्यक्ष से बात करते हैं, जिलाध्यक्ष से बात करते हैं, वहाँ का हमारा कोई प्रदेश का पदाधिकारी लेता है उससे बात करते हैं, भाई हम इसको ले रहे हैं, आप कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अभी आज ही राज्यसभा में तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता हैं दिनेश त्रिवेदी जी, बैरकपुर से, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब बड़ी चर्चा गर्म है कि आप उनको एक भगवा साफा पहनाने वाले हैं, कब होने वाला है? देखिए ऐसा कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मैंने उनका भाषण सुना, मेरा ख्याल है कि सदन के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड अपनी पार्टी की हिंसा की राजनीति की आलोचना की, ऑन रिकॉर्ड। बाहर आके लोग बोलते हैं पर सदन के अंदर रजिस्टर हुआ ये, और ये बहुत गंभीर मसला। और विशेषकर दिनेश त्रिवेदी इतने गंभीर व्यक्ति हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, इतने सीनियर पर्सन हैं कि वो यदि पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी में क्या चल रहा है इसका अंदाज सबको लग सकता है। और मैं मानता हूँ कि दिनेश त्रिवेदी एक अच्छे राजनेता हैं, बढ़िया राजनेता हैं, और उन्होंने यदि कोई कमेंट्स किया तो इसको बंगाल की जनता भी गंभीरता से लेगी और देश की जनता भी गंभीरता से लेगी। तो आप उनको चुनाव लड़ाएंगे जब वो ज्वाइन करेंगे? मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे, पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे। नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ, वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है बस ज्वाइन करने के, वो उन्होंने इस्तीफा दिया इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। मैं बता दूं कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, कि आपकी जानकारी में नहीं है कि वो कब कैसे क्यों ज्वाइन करेंगे आपकी पार्टी। लेकिन ठीक है, आप स्टेज पर बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं वो आपका हक है। आप जबरदस्ती लोगों को ये मनवाने के लिए अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी मेरी बात पे सब विश्वास करते हैं, आप पूछ लीजिए किसी पर। आप हमें ये बताएं कि जिस उम्मीद के साथ या जिस स्ट्रेटजी के साथ आप शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता को अपनी पार्टी में लाए, क्या आपके हिसाब से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी शुरुआत में वो खरी उतरी, ओवर एक्सीड हुई, अंडर डिलीवरी रही, क्या रहा? देखिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि शुभेंदु और राजीव बनर्जी दो नेता जब नहीं थे हमारी पार्टी में तो हम टक्कर में थे कि टीएमसी और हमारे बीच में टक्कर है, पर जैसे ही दोनों नेता आए उसके बाद मोहर लग गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और इसलिए हमारा जो अंदाज था उससे ज़्यादा हमको सफलता मिली। एक परसेप्शन सारे प्रदेश में बन गया कि टीएमसी जस्सी बीजेपी अच्छे नहीं। पर यह भी तो हकीकत है कि शुभेंदु अधिकारी पे, मुकुल रॉय पे, आप ही की पार्टी के नेताओं ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन के गंभीर आरोप लगाए। आपके नेता सिद्धार्थनाथ सिंह कहते थे भाग मुकुल भाग, सीपीआई आती है, फिर एकाएक वही आ जाते हैं आपकी पार्टी में और आप फिर ट्विटर में ढूंढते रहते हो कि कहाँ पे डिलीट करो पुराना डिलीट करो। देखिए मैं फिर एक बात कहता हूँ कि इस देश के अंदर 77 की बात, एक गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ है,
और उसमें निश्चित रूप से पहले इतना दूसरे दलों में सम्मिलित होना इतना होता नहीं था, पर 77 के बाद से एक प्रारंभ हुआ है। और मैं समझता हूँ इसमें यदि कोई एक प्रामाणिक नेता किसी पार्टी का अपने दल में आता है और ऐसा लगता है कि वो हमारे नेतृत्व पर विश्वास करता है, हमारी विचारधारा में विश्वास करता है, तो उसका स्वागत होता है। पर उस वक्त वो विपक्ष में थे, यदि उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं तो उसके खिलाफ बोलना ये हमारा दायित्व है, पर यदि वो दोषी होंगे तो उसको उसकी सजा मिलेगी। हम जहाँ आप बैठे कल, वहाँ पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी थी, और ममता बनर्जी जी का कहना था कि बीजेपी की एक बड़ी वॉशिंग मशीन चलती है कि दाग वाले लोग जितने भी हैं उनको डालो और सफ़ेद एकदम कपड़ा पहन के वो निकल जाते हैं, कि ये बीजेपी की एक इलेक्टोरल वॉशिंग मशीन। देखिए ये तो मैं ममता जी के लिए कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ उनके लिए कि छत्रधर महतो सबसे बड़े नक्सल नेता थे, उन्हें हत्याएं खूब सारी की, वो जेल में थे, उनसे जेल से जमानत कराकर पार्टी का पदाधिकारी बनाया उन्होंने ही, उनकी सरकार ने ही नहीं, विमल गुरुम के ऊपर जो गोरखाओं के नेता 150 केस लगाए, राष्ट्रद्रोह का केस लगाया, हत्या का केस लगाया, अब वो ममता जी के साथ बैठ रहे हैं जबकि केस अभी भी हैं उनके पास, तो बड़ी वॉशिंग मशीन कौन सी है? दूसरों पे आरोप लगाने के पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए ममता जी को। नहीं, पर बीजेपी ने हमेशा कहा कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। अब दूसरे ने क्या गलत किया उसका हवाला दे रहे हैं आप ये समझाने के लिए कि आपने क्या किया? मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने हम पे आरोप लगाया, इसलिए मैंने कहा, मैं तो पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर आता है हमारे यहाँ, तो ऐसा थोड़ी कि उसने जो गलत काम किया है हम उसको संरक्षण दे रहे हैं। जाँच एजेंसी जाँच कर रही है, और जब भी ज़रूरत पड़ती, अभी पिछले दिनों ही CBI ने मुकुल दा को बुलाया था, यदि ऐसा लगा कि उन्होंने गलत किया तो CBI उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, हमने तो नहीं रोका। क्या बीजेपी इस चुनाव में राम भरोसे, एक तरीके से जैसे जय श्री राम के नारे पर विवाद खड़ा हुआ, आप लोगों ने जोर शोर से नारा दिया, आपका आरोप है कि ममता बनर्जी नारे से भाग रही हैं या डर रही हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं, हम तो जय सिया राम कहते हैं, इतना इलेक्शन जीतने के लिए भगवान का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए भगवान का नाम हमने नहीं लिया, आपके और हमारे लेने से नारा कभी भी नहीं बनता, एक बात ध्यान में रखिएगा। TMC 3T के आधार पर काम कर रही है, एक तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टिकरण, ये तीन से पूरी पश्चिम बंगाल की जनता फेड अप है, त्रस्त हो गई एकदम, और उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कोई भी नारा है ना एक संदेश देता है, बंगाल में कोई जय श्री राम बोलेगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था, पर बंगाल में जय श्री राम एक तरीके से जैसे वंदे मातरम था कि नहीं अंग्रेज भारत छोड़ो, जैसे बंगाल के अंदर हो गया जय श्री राम ममता जी बंगाल छोड़ो, ये नारा जनता के बीच में हो गया। और इसलिए ये नारा सामान्य नारा नहीं है, इस नारे का इतिहास के शब्दों में, इस नारे को बंगाल में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि परिवर्तन के लिए इस नारे ने जनता के बीच में से आवाज़ लाकर एक परिवर्तन करके दिखाया। पर जैसे ममता जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो जय सिया राम है, हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हम लोग जय हिंद कहते हैं, हम लोग वंदे मातरम कहते हैं, हम लोग जय श्री राम का कोई बंगाल में कल्चर इतिहास नहीं रहा, और यही बात मैं कहती हूँ कि बीजेपी बाहरियों की पार्टी। नहीं, अल्प ज्ञान ऐसा ही होता है जैसा कि ममता जी ने कहा, जय सिया राम श्री सिया का ही पर्यायवाची, सिया सीता का ही पर्यायवाची, तो जय सिया राम और जय श्री राम का अंतर थोड़ी है, पता नहीं वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाते। एक जो बड़ा सवाल आपके सामने रहेगा, अगर अप्रैल मई में बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है, वो ये कि आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस कौन होगा? कल अमित शाह जी थे जहाँ पे आप बैठे, उन्होंने आपको तो आउट कर दिया, और आपका तो मध्य प्रदेश जाने में इंटरेस्ट होगा अगर होगा भी, तो यहाँ तो इंटरेस्ट नहीं है। वो प्रश्न ही रोहित ने क्यों पूछा मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का दावेदार भी नहीं था, वो मैं इसलिए मैंने बोला कि आपका जो दावेदारी है वो तो मध्य प्रदेश की है, यहाँ की नहीं है, वो अलग एक किस्सा है, उसको बाद में कभी पूछूंगा। लेकिन यहाँ पे आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट, ऐसा सोच बन रही है कि अगर पूर्ण बहुमत आता है तो आपका कैंडिडेट एक ओल्ड टाइमर RSS लॉयलिस्ट होगा, अगर हंग आता है तो आपको यहाँ वहाँ से तोड़ना पड़ सकता है, तो फिर कोई जो शायद नया चेहरा आया है उसको आप लोग ले सकते हैं, आप इस सवाल को कैसे देखें? देखिए दो बातें हैं इसमें,
पहला तो ये कि अब हमारा सिर्फ चिड़िया की आँख की तरह, जैसे अर्जुन ने देखा था कि सरकार बनाना, सरकार बनाने की तरफ ध्यान है, मुख्यमंत्री बनाने की तरफ ध्यान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर हमारी सरकार नहीं रहती वहाँ हम कभी भी सामान्यतः नेता घोषित नहीं करते। आप हरियाणा का उदाहरण देख लें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लें, महाराष्ट्र का उदाहरण देख लें, वहाँ हम नेता घोषित नहीं करते। सरकार बन जाती है, फिर डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, विधायक दल का बैठक होती है, उसमें विधायक दल अपना नेता चुनता है और मुख्यमंत्री बनता। तो इसलिए हमारे पास मटेरियल बहुत है, कोई भी बन सकता है, पर ये विधायक दल तय करेगा। आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने बोला स्वॉट एनालिसिस क्या रहेगा कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तब अलग टाइप का कैंडिडेट, हंग असेंबली आती है तो अलग टाइप का कैंडिडेट। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब परिणाम आने के बाद, ये आपका काल्पनिक प्रश्न है, हंग आई तो फिर हम विचार करेंगे उस वक्त। अभी तो हम दो तिहाई बहुमत की बात कर रहे हैं, दो तिहाई से नीचे की हम सोचते ही नहीं। ये जो CPIM कांग्रेस का अलायंस है, शायद ISF भी उससे जुड़ सकता है, आपके हिसाब से ये किस, आप इसको कैसे देखते हैं और ये आपका वोट तोड़ते हैं या TMC का वोट तोड़ते हैं? देखिए, हमने जो हमारा राजनीतिक रणनीति है हमारी, वो 51% वोट की है। हमें 51% वोट लाना है। 49 में TMC किससे गठबंधन करती है, कांग्रेस किससे गठबंधन करती है, CPM किससे गठबंधन करते हैं, OAC किससे गठबंधन करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम 51% वोट लाकर दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। अगर आपको पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है तो दक्षिण पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनाव की तुलना में बेहतर करना आपके लिए बहुत अहम है। आपने कई कदम भी उठाए हैं, फोकस भी रहा है, आपके हिसाब से कितना कामयाब आप हुए? क्योंकि अगर 2019 का चुनाव देखते हैं तो नॉर्थ बंगाल से जो चुनाव स्टार्ट होता है उसका रिजल्ट एक तरह का रहता है, भगवा भगवा भगवा, और यहाँ पे आके पूरा नीला। तो इसको कितना रिवर्स कर पाएंगे और कितना आप कामयाब हुए हैं अब तक की अपनी स्ट्रैटेजी? बहुत कामयाबी मिली हमें और यहाँ पर भी हम आश्चर्यजनक परिणाम देंगे, जैसे कि पिछले लोकसभा में हमने पश्चिम बंगाल में आश्चर्यजनक परिणाम दिए थे। ये पूरा प्रेसिडेंसी एरिया जो हमारे फोकस में है और यहाँ पर भी हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे, ये हमारा है विश्वास। आपको चिंता है कि अगर थोड़ा कम रह जाए, हंग हाउस आ जाए, तो फिर CPIM और कांग्रेस का TMC की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपकी तरफ तो आने के ऑलमोस्ट जीरो चांसेस हैं, तो फिर आपके लिए इसीलिए पूर्ण बहुमत से जीतना आसान है क्योंकि आपके एलाइज मिल सकते हैं, जैसे कांग्रेस JDS के बीच में हो गया था शुरू में बेंगलोर में? मैं नकारात्मक कभी सोचता ही नहीं, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ और मुझे विश्वास है कि दो तिहाई बहुमत से हम जीतेंगे, इसलिए इस बारे में कभी सोचा ही नहीं मैंने। सीताराम येचुरी जी बैठे थे थोड़ी देर पहले, जहाँ बैठे उन्होंने कहा कि देखो आजकल ऐसा हो गया है कि चुनाव में जो भी नतीजा आए, BJP साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ करके अपना हिसाब किताब बैठा के, वो मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक का हवाला दे रहे थे कि आप लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब देखिए, सीताराम येचुरी जी बोल भी सकते हैं और उनका इस प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार भी है विपक्ष की हैसियत से, पर सवाल ये है कि आज इस देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी के प्रति एक वो विकास की प्रतिमूर्ति बन गए, एक नया कुछ होना चाहिए, एक नया इंडिया बनना चाहिए, इसके प्रतिमूर्ति बन गए। आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे दलों से लड़ के आते हैं पर बाद में उन्हें लगता है कि मोदी जी के साथ जाने के बाद शायद हम कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, इसको आप इस दृष्टि से मत देखिए कि हम लोग कुछ करते हैं, हमारे चमत्कारिक नेतृत्व का कमाल है। असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में ठीक परफॉर्मेंस दर्ज किया, काफ़ी मदद पहुंचाई आपको, ये आप बोल रहे हैं? नहीं, जितनी मदद पहुंचाई उसी से आप लोगों की सरकार बनी, ये हकीकत है नतीजे की। अब ये सवाल उठता है कि क्या ओवैसी को बंगाल में लाने के लिए ममता जी कहती हैं कि वो BJP की सीट में मदद कर रही है, BJP पीछे से ओवैसी को यहाँ पे भेज रही है ताकि मुस्लिम वोट उनका स्प्लिट हो जाए? हम इतने कमज़ोर नहीं कि हमें अभी किसी ओवैसी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। हम यहाँ बहुत सॉलिड स्थिति में हैं और हमें विश्वास है कि हमारा इतना काम है 6 साल का कि यह हम सरकार बनाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। आपको क्योंकि आपने 50% की बात की तो आपके अपोनेंट के वोट को तोड़ना भी तो आपकी स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है ना?
वो तोड़ के तो 51% बने हम, और उसमें 4% चालू हुए, 17% पे आए, फिर 40% पे आए, हमें कितने 4% तो और उसमें चाहिए। आपकी फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी एक लॉन्च हुई अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट करके, उसका रोल आप क्या देखते हैं? आपको लगता है अच्छा है जितना इनका वोट टूटे अच्छा है? नहीं, हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं, हम तोड़ने की बातें नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि अच्छा है, ममता जी उनसे भी हाथ मिला ले, ओवैसी से भी हाथ मिला ले, सबसे हाथ मिला ले, उसके बाद लड़ ले, उसके बाद भी हम जीतेंगे। पिछले करीब 25 मिनट में हमने आपका एक बड़ा सीरियस स्वरूप देखा। मेरे को किसी ने एक व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड किया, आप अपनी ही पार्टी के किसी कम्युनिटी के यहाँ पर शादी पे गए थे, वहाँ पे आप मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार के गाने गाने, तो मैंने किसी से पूछा हमारे रिपोर्टर से, उसने कहा कि बड़ा अच्छा गाते हैं कैलाश जी। तो मैंने बोला अरे ऐसा लगता तो नहीं, आप तो बड़े सीरियस टाइप के नेता लगते हो, ये आप जाके गाना भी गाते हो शादी में, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। दरअसल क्या है कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। हाँ, पर मैंने सुना है गाते बहुत उन्होंने कभी। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ नहीं, पर कभी कभी कुछ सीन देखकर एकदम गाना याद आ जाता है। तो ये सीन देख के आपको कौन सा गाना याद? नहीं, मेरे सामने तो आप देखे बैठे हैं, आपका सीन देख के मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा। आप ऑडियंस को देखिए, आप ऑडियंस को देखिए, उनको देखिए। अच्छा, आप अब अगर ये कहें कि आपने, जैसे अब आप किसी कम्युनिटी लीडर की शादी में आ गए, अब आपने हमें कोई गाना सुनाना, हम लोगों ने फरमाइश किया, आपकी पार्टी वर्कर्स आए आपके पास, उन्होंने कहा कि कैलाश जी आपके पार्टी के कई लोग बैठे हैं, आप लोग सुनना चाहेंगे कैलाश जी का गाना? पक्का आप अच्छे से फरमाइश करेंगे तभी। देखो, अगर वो पंप अप नहीं होंगे, वो कह रहे हैं ये सीन देख के उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही, अगर आप अच्छे से उनको पंप अप करेंगे तभी। आपने सुना है कि अच्छा गाते हैं? हाँ, पर मैंने कभी लाइव नहीं सुना इनको, थोड़ा सा आप सब, अब तो सब जान गाना चाहना है, कितने लोग सुनना चाहते हैं इनका गाना? ये देखिए, बताइए। मुझे अभी सैनिक बैठे हुए थे बांग्लादेश के, बांग्लादेश के युद्ध के 50 वर्ष हुए हैं, तो उन सैनिकों को प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए दो लाइन सुना देता हूँ। दूसरा गाना सुना देता हूँ। आप, मैंने सुना है आप किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गाने, आप कहाँ पे वो सेना के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप किशोर कुमार मुझे गाने आते हैं वो सुनाइए, अब इतना दिमाग पे जोर डाल रहे हैं वो गानों की लिरिक्स, जो आप फटाफट जो जुबान पे है वो सुनाइए आप, किशोर कुमार के या मोहम्मद रफ़ी के। मेरे को, मैं पूरी रिसर्च करके आया, मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और ये गाने आपको ज़्यादा पसंद, जो पसंद है वो सुनाए ना आप ये। हाँ, ज़ुल्फ़े हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौथवी का चांद हो याफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। क्या बात, जोरदार तालियां। अच्छा, जब मुझे बोला कि गाते हैं तो मुझे लगा हाँ गाते, इतना अच्छा गाते, ये नहीं बताया था किसी ने, आपने तो एकदम समा बांधी। एक फरमाइश और, वन मोर, सो इतना अच्छा का ये है तो आप एकदम, आपने कभी ऐसा सुना कि सोचा कि मैं एक दूसरा अल्टरनेट करियर भी हो सकता है बीजेपी को बंगाल में जिताने के अलावा, आप कॉन्सर्ट वगैरह भी कर सकते हो ऐसे? मतलब राजनीति में फेल हो जाए वहाँ पे सब सोच रहे हो तो कम अपना नहीं, मैं एक ड्रम पार्टी खोल दूँ ऐसा, मैं एक अल्टरनेट लाइन ऑफ करियर। कितने अच्छे दोस्त हो यार, मैं तो अल्टरनेट करियर से। एक गाना और आपको गाना पड़ेगा, इतना खूबसूरत आपका, आप लोगों को अच्छा लगा इनका गाना? वुड यू लाइक टू हियर वन मोर? One more.
वन मोर सॉन्ग, जो पॉपुलर सॉन्ग हो वैसे ही आप कीजिएगा, जो आपकी एकदम जुबान पे हो। मेरे को नए गाने याद नहीं। जो आपके नहीं, जो आपको किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, जो आपको पसंद है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है, आप तो एकदम प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाते हैं। और अगली दफा उषा उत्तप जी को या पापॉन को बुलाने की जगह आपने तो समा बांध दिया। ये तो आपका एक हिडन टैलेंट था, मतलब चुनाव लड़ाने जिताने के अलावा ये तो आप एकदम कॉन्सर्ट कर सकते हैं। कॉन्सर्ट लाइक क्वालिटी वॉइस है कि नहीं? अमेजिंग, फैंटेस्टिक। थैंक यू सो मच कैलाश विजयवर्गीय जी, आप आए, जुड़े और आपने चुनाव की अपनी स्ट्रैटेजी भी बताई और ये गाने भी गुनगुना के सुनाए। एक दिन जब हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तसल्ली से आप और हम बैठेंगे और आपको हम इसी तरह से एक्शन में देखेंगे, तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच कैलाश जी, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.